आशा जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह का हेल्दी रायता। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। रायता को आप फटाफट बना सकते हैं और अपने खाने का स्वाद दोगुना कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए मिलके बनाते हैं हेल्दी रायता। आज हम दो तरह के रायते की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आप लोग के साथ। तो खीरे का रायता और मखाने का रायता, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और खाने का स्वाद दुगुना कर देता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको आप कभी भी फटाफट बना सकते हैं। मखाने का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी मखाना लिया है। इस तरह से हमने खीरे को ग्रेट कर लिया है, तो इसका भी हम रायता बनाएंगे। नमक, चाट मसाला, भुने जीरे का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक, बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, एक कटोरी दही हमने लिया है, यानी कि 250 ग्राम दही है। एक मिक्सिंग बाउल में हम दही को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस दही को हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मखाने को हम स्लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। पुदीने को हम दरदरा कूट लेंगे। पुदीने को हमने दरदरा कूट लिया है, इसको हम दही में ऐड कर देंगे और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मखाने को हमने भून के ले लिया है, आधा चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। थोड़े से दही हम इस रायते में डालेंगे और थोड़े से मखाने में डालेंगे। फिर थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डाल रहे हैं, क्योंकि तीखा नहीं होता है। तो मिर्ची का इस्तेमाल हम इस रायते में बिल्कुल नहीं किए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को कूट के डाल सकते हैं। मखाने के रायते में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद के लिए। हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। इस तरह से हेल्दी रायता बनाएं और अपने खाने का स्वाद बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।